बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन-ए-किराम। नाज़रीन-ए-किराम, मैं हूँ मोहम्मद इकराम खान। आप देख रहे हैं HD पाकिस्तान ऑफिशियल। HD पाकिस्तान ऑफिशियल पेश करता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर बनने वाली खूबसूरत वीडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। अगर आप भी अपने शहर की वीडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा और HD पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन-ए-किराम, आज हम आपको CPAC के बारे में बताते हैं कि CPAC क्या है। नाज़रीन, CPAC बकायदा एक मंसूबे का नाम है। CPAC का मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। CPAC के तहत पाकिस्तान में 7 मंसूबों पर काम जारी है, जिनमें से कुछ मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ तकमील के मराहिल में हैं। नाज़रीन-ए-किराम, पाकिस्तान में मोटरवे के अलावा CPAC के तहत होने वाले बाकी प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हैं। नाज़रीन-ए-किराम, प्रोजेक्ट्स का जिक्र कुछ यूँ है। रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर लाइंस प्रोजेक्ट्स, पूल प्रोजेक्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स। नाज़रीन-ए-किराम, CPAC की अहमियत को आलमी सतह पर महसूस किया जा रहा है। ये सिर्फ $57 बिलियन खर्च करने का मंसूबा नहीं, बल्कि इसके तहत चाइना 3000 किलोमीटर तवील काशगर से लेकर ग्वादर तक रूट की तामीर है। नाज़रीन-ए-किराम, ग्वादर को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत जुग्राफियाई महले वकू अता किया है और यह दुनिया की तीसरी गहरी पोर्ट है और यहाँ दुनिया के बड़े बड़े बहरी जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि CPAC पाकिस्तान के लिए सिर्फ गेम चैलेंजर नहीं बल्कि फिट चैलेंजर साबित होगा इंशाल्लाह, जिससे खित्ते में अमन और माशी इस्तेहकाम आएगा। इससे न सिर्फ इलाकाई तजारती और सरमायाकार मुस्तफीद होंगे बल्कि हर आमो खास को फायदा पहुंचेगा। नाज़रीन-ए-किराम, CPAC के तहत मुल्क में सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, जिससे मुल्क का मुआसलाती निज़ाम बेहतर होगा। मजीद बरां पाक चीन इक्तसादी राहदारी से मुल्क में रोजगार और तरक्की का नया बाब शुरू होगा। CPAC मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए कुछ जरूरी हिदायत और सहूलियात का जिक्र करते चलें। CPAC मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी हिदायत। अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुंचने के लिए गाड़ी का फ्यूल और डीजल अच्छी तरह चेक कर लें। CPAC मोटरवे पर सफर करने के लिए खाने पीने का सामान अपने साथ रखें। CPAC मोटरवे पर सफर करने से पहले ये बात जहन नशीं कर लें कि CPAC मोटरवे पर इंटरचेंज के अलावा कहीं भी यू टर्न मौजूद नहीं है। CPAC मोटरवे पर दी गई स्पीड लिमिट के मुताबिक अपनी गाड़ी को ड्राइव करें। नाज़रीन-ए-किराम, CPAC मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए सहूलियात का जिक्र करती हैं, जिसमें शामिल सर्विस एरिया और रेस्ट एरिया हैं। नाज़रीन-ए-किराम, अगर सर्विस एरिया की बात की जाए तो सर्विस एरिया में जामिया मस्जिद, ऑफिस बिल्डिंग, पेट्रोल पंप, टक शॉप्स और गैस स्टेशन शामिल हैं। अगर CPAC मोटरवे पर रेस्ट एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर मुसाफिरों के लिए रेस्ट रूम्स और शॉप मौजूद हैं। नाज़रीन-ए-किराम, CPAC मोटरवे पर सफर करने वाले सर्विसेज एरिया और रेस्ट एरिया के अलावा रुकने से इज्तनाब करें। हमारी ये काविश आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही HD पाकिस्तान की पूरी टीम को और मुझे मोहम्मद इकराम खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन-ए-किराम,
HD पाकिस्तान ऑफिशियल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा।